हेलो एवरीवन दिस साइड मोनिका यादव होप यू ऑल गुड टुडे आई एम गोइंग टू टीच एट क्लास मैथ सेल्फ प्रैक्टिस फर्स्ट डे अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड बाय द फ्लोविंग स्टेटमेंट इन स्टेटमेंट में जो भी प्रॉपर्टी यूज हुई है उसके बारे में हमें बताना है अच्छा प्रॉपर्टी बताने से पहले हमें सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली देखना है देखो यहाँ नेगेटिव सेवन अपॉन एट है और इक्वल के साइन के बाद भी नेगेटिव सेवन अपॉन एट है इलेवन अपॉन फिफ्टीन है और इक्वल के साइड के में भी इलेवन अपॉन फिफ्टीन है बस इनका ऑर्डर चेंज हो गया है अगर हम इसको ए माने और इसको मल्टीप्लाई बी माने यहाँ पे क्या हो गया है बी मल्टीप्लाई ए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी कॉम्पिटेटिविटी कॉम्पिटेटिविटी में क्या होता है मतलब ए मल्टीप्लाई बी को बी मल्टीप्लाई ए भी लिख सकते हैं ऐसे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट हमारा सेम ही आता है भी देखो सिक्स अपॉन सेवन मल्टीप्लाई हो रहा है सेवन अपोन सिक्स से दैट इज इक्वल टू वन नंबर देखो दोनों ही सेम सेम है बट पोजीशन इन नंबर की चेंज हो गई है जो हमारा न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया इसको क्या बोलते हैं इसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं और इसको तो मल्टीपिकुलेटिव इनवर्स भी बोलते हैं साथ ही इसको रेसी प्रोकल भी बोलते हैं ना Uh, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्वेश्चन सी देखो नेगेटिव वन अपॉन एट प्लस वन अपॉन एट दैट इज इक्वल टू ज़ीरो नेगेटिव ए प्लस ए दिया हुआ है मतलब एक नंबर है नंबर एंड इट्स अपोजिट जब इनका सम किया जाता है तो जीरो आता है ये प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स में क्या होता है द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स अपोजिट इज ऑलवेज जीरो डी देखिए पहले तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे दोनों में ऐड हो रहा है दोनों ही टर्म्स के बीच में एड का साइन है उसके बाद ये नेगेटिव ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी नाइन है सेम यहाँ भी नेगेटिव ट्वेंटी वन अपॉन ट्वेंटी नाइन है और सिक्स अपॉन नाइनटीन है तो राइट हैंड साइड भी सिक्स अपॉन नाइनटीन है जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो जैसा लेफ्ट हैंड साइड है सेम वैसा ही राइट हैंड साइड है बस ऑर्डर चेंज कर दिया गया है इसको क्या बोला जाता है इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कम्युटेटिविटी प्रॉपर्टी ई देखिए नेगेटिव ट्वेंटी थ्री अपॉन सेवेंटी मल्टीप्लाई हो रहा है वन से मल्टीप्लाई हो रहा है और सेम नंबर हमें मिल रहा है नेगेटिव ट्वेंटी थ्री अपॉन सेवेंटी तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी एफ देखिए ये जो है मल्टीपिकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इसमें क्या होता है कि मल्टीपिकेशन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन और सब्टशन यहाँ सब्टशन है तो सब्टशन से आप समझिए मींस ए है ए मल्टीप्लाई हो रहा है कोई ग्रुप है बी माइनस सी से तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं ए बी माइनस ए सी सेम यहाँ हो रहा है ये एडिशन में भी ये सेम रूल फॉलो होता है ए किसी ग्रुप से मल्टीप्लाई हो रहा है बी सी एक ग्रुप है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके कैसे लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी सेम फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी मतलब मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ हो रही है तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी जी देखो सभी के बीच में देखो मल्टीप्लाई का साइन है और लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स यूज़ हो रहे हैं वो सेम नंबर राइट हैंड साइड में भी यूज़ हो रहे हैं अगर मल्टीप्लाई में ऐसा होता है तो प्रोडक्ट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अगर इनको मल्टीप्लाई करें चाहे ऐसे मल्टीप्लाई कर लो चाहे इस तरह से मल्टीप्लाई कर लो प्रोडक्ट तो सेम होता है मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी होती है द प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज्ड इफ़ द ऑर्डर इन विच मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री और मोर नंबर इज़ परफॉर्मड इज चेंज अगर ऑर्डर चेंज हो जाता है तो भी मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट जो है वो सेम आता है इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं एसोसिएटिविटी भी हमारा सेम ही हो रहा है यहाँ देखो वन टू है और इक्वल के साइन के बाद भी वन अपॉइंट टू है वन अपॉइंट थ्री है वन अपॉइंट फाइव है सभी के बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी है बस क्या हो गया है ऑर्डर चेंज हो गया है और ऑर्डर चेंज होने के पर भी जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट तो सेम होता है इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिविटी बोलते हैं